देख पा रहे होगा, इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है और इसके अंदर करंट भी नहीं लग रहा है, यही खास बात है कि सिर्फ 5 रुपये का बनाया हुआ ये जो हमारा टेस्टर है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, 100% शॉक प्रूफ है, कोई भी करंट नहीं लगता इसके अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पर। अब गाइस आप लोगों को क्या चाहिए बताइए, 5 रुपये के अंदर और क्या चाहिए आप लोगों का। दोस्तों पहले आप लोग इस वाले टेस्टर को देखो, दोस्तों इस वाले छोटे से टेस्टर के साथ से आप कोई भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एलईडी लाइट को आसानी से टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गाइस ये ऑटोमेटिक काम करता है। गाइस आप छोटे से एलईडी लाइट को लगाओगे तो वो इतना ही वोल्टेज देगा जिसकी सहायता से आपका लाइट आसानी से जलेगा और फ्यूज भी नहीं होगा, ये 100% सेफ रहेगा। अब से ये काफी कमाल की प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको बना लो, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, सिर्फ 6 रुपए लगने वाला है, इससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। और इसके बाद एक खास बात इसके अंदर और है कि इसके अंदर गाइस आपको करंट नहीं लगने वाला है, इसका जो टर्मिनल्स है 100% शॉक प्रूफ है, इसको मैंने टच कर लिया तब भी गाइस मुझे करंट नहीं लगा, और इसको बनाना बहुत ही आसान है गाइस, कोई भी बना सकता है, बच्चा भी एक बार देख लेगा तो आप लोग इसको समझ जाओगे, क्योंकि इसकी सहायता से मैं आपको इसका ड्राइंग देने वाला हूं, आप लोग आसानी से इसको समझ पाओगे इसको बनाना किस तरह से बनाना है कि इसके अंदर ऐसे 220 वोल्ट पावर जाता है और इस तरफ से आपको जितना चाहिए ऑटोमेटिक काम करता है उस हिसाब से वोल्टेज देता है। चलिए गाइस देखते हैं किस तरह से ये कमाल की प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये कमाल की एलईडी लाइट किस तरह से बनाया गया, चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है गाइस, तब जाकर आप लोगों को एक सही कंटेंट दे पाता हूँ, वरना गाइस इस जमाने में बहुत ज्यादा गाइस फेक वीडियो बनते हैं और आप लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है, और आप लोग गाइस लेकर आते हो घर पर ट्राई करते हो तो वो काम ही नहीं करता या फिर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है वो चीजें, लेकिन हम जो भी करते हैं वो पूरे सेफ्टी के साथ करते हैं और हम पूरा नॉलेज आपको देते हैं, जरा बराबर उसके अंदर कमी होती तो भी हम उसके अंदर बता देते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरह से बनाया गया है, वीडियो को शार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए सोलर बी शो ऑन दिस वीडियो। दोस्तों हमें इस वाले टेस्टर को बनाने के लिए जो कंपोनेंट लगने वाला है मैं आपको वो बता देता हूं, ताकि आप लोग भी उसे ले लो और मेरे साथ देखते देखते आप लोग भी बनाना सीख जाओ इसको। इस वाले टेस्टर को बनाना बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है गाइज। तो इसमें जो कंपोनेंट लगने वाला है वो सिर्फ गाइज बेसिकली यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट्स ही लगने वाले हैं, दो आप कह सकते हो इसको। तो यहाँ पर यह है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है 100 ओम का रेजिस्टेंस, 100 ओम का रेजिस्टेंस यह है क्वार्टर वार्ड में, और ये वाला भी 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमें दो रेजिस्टेंस को ले लेना है, जो काफ़ी ज़्यादा आसान है, एक एक रुपए का ये मिलता है एक रेजिस्टेंस, तो आप कहीं से भी ले सकते हो। और ये वाला गाइस जो IN007 डायोड है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला, ये भी गाइस 1 रुपए का एक मिलता है, तो आप इसको ले सकते हो, ये 4 रुपए का 4 डायोड आपको लेना है इसी तरह से। और इसको गाइस हमें सीरीज में जोड़ लेना है, इसका हमें रेक्टिफायर बनाना है बेसिकली, और इसको बनाना भी बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ तो आप लोग भी सीख जाओगे बनाना। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका ब्रिज बना दिया है, डायोड ब्रिज कुछ इस तरह से, इसका कनेक्शन भी आप लोग समझ जाओगे, डायग्राम दे दूंगा, बड़े ही आसानी से आप लोग कर पाओगे यहाँ पर। तो अब हमें इस पे इसका कनेक्शन करना है, तो यहाँ पर मेरे पास है 2 मल्टीमीटर के अप्रोक्स हैं यहाँ पर, तो इसको हमें जोड़ लेना है मल्टीमीटर के अप्रोक्स को। सबसे पहले हम इस पे पेस्टिंग कर देते हैं ताकि हमारा शोल्डर आसानी के साथ शोल्डरिंग हो जाए, और बस यही सिंपल इसका करना है। तो यहाँ पर अब इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ किस तरह से यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रॉक्स को लगाना है। तो यहाँ पर जो ये दोनों माइनस वाला पॉइंट है, आज आप देख सकते हैं, सो सॉरी इसका जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पर हमें माइनस लगाना है, मल्टीमीटर के माइनस प्रॉक्स को लगाना है, यानी कि ब्लैक वाले को, तो इस पर हम सोल्डर कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। कुछ इस तरह से यहाँ पर कर दिया है, और प्लस वाले को हमें इस वाले को यहाँ पर इसके दूसरे पॉइंट पर, जिस तरफ गाइस यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर सिल्वर कलर है जिसको मैंने पकड़ के रखा गाइस, इस वाले को प्लस इसमें जोड़ना है, तो इसको भी जोड़ ही लेते हैं। इतना ही गाइस इसके अंदर करना था, तो हो गया काम यहाँ पर, आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूती के साथ इस पे जो है सोल्डर कर दिया है यहाँ पर।
अब यहाँ पर इसका जो ये 100 के का ओम्स रेजिस्टेंस है, इसको हमें सिंपली यहाँ पर उठाकर इस पर सोल्डर कर देना है, यहाँ पर इसके पॉइंट पे। तो इसके मैं यहाँ से इसको लेने के बाद इस पर आसानी से, और यहाँ से हम इसको यहाँ पर इसको लेने के बाद यहाँ पर एक लगा दिया, एक यहाँ पर लगा देता हूँ। बस इतना ही इसके अंदर कनेक्शन था, बहुत ही इजी तक आई, कोई भी बच्चा भी कर लेगा देखने के बाद, एक बार देख ले बस काफ़ी है देखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर ब्रिज तैयार हो चुका है, यानी कि हमारा जो इसका मशीन था, जो हमारा ये टेस्टर है, ये फाइनल बनके तैयार हो गया है। इसके अंदर हमारे ये जो प्लग है, इसको सिर्फ लगा देना है, बस इसके अंदर फिक्स कर देना है, बाकी ये हमारा सब कुछ तैयार है। तो इसके अंदर हमें इसको डालकर बस लॉक कर देना है। दोस्तों इसके अंदर इतना ही कंपोनेंट लगना था और बहुत ही आसानी से इसको फिक्स कर दिया है, तो अब हम इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो हमारा सबसे आसान और सबसे सिंपल सबसे सस्ता ये जो हमारा एलईडी टेस्टर है, ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि इसको बनाने में सिर्फ 5 रुपए लगे हैं गाइज। तो दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर ऐसे 220 वोल्ट का एक बोर्ड है, तो इसकी सहायता से मैं यहाँ पर जो हमारा सबसे आसान एलईडी टेस्टर है, इसको मैं इसके अंदर लगाऊंगा और फिर आपको एक एक लाइट बारी बारी से सभी को टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो गाइज पूरा जरूर देखना, अगर छोड़ के भाग जाओगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखना यहाँ तक गाइस। अब आपके दिमाग में ये सवाल बिल्कुल भी ना आएगा कि इसके अंदर कोई मैंने चार्जर लगाया है या फिर कोई कम वोल्टेज करने वाला मशीन लगाया है, इसलिए मैं आपको इसका भ्रम को दूर करने के लिए मैं मल्टीमीटर से इसको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर 220 वोल्ट ही पावर आता है, क्योंकि ये मोबाइल के चार्जर है, इससे मोबाइल चार्ज होता है और यहाँ पर 220 वोल्ट आता है। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को सिंपली 220 वोल्ट या 250 वोल्ट पर सेट कर दूंगा। ये एसी वोल्टेज है, आप लोगों को पता होगा, अगर जर्रा से भी आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं, इसके अंदर डालते हैं और फिर देखना अभी इसके अंदर कितना वोल्टेज आता है। आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर 208 वोल्ट एसी पावर आ रहा है इसके अंदर। तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि इसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर या फिर कुछ है इसके अंदर खास चीज़ें। तो अब मैं इसको सिंपली 220 वोल्ट से देता हूँ पावर, उसके बाद देखना, मैं पावर को एक बार बंद कर देता हूँ, अब देखना इसको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको बारी बारी से इस चीज़ों को। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पावर को टेस्ट करने के बाद आपको, तो अब मैं आपको इसको लाइट टेस्ट करके दिखाता हूँ। पावर को चालू कर दिया है इसके अंदर, अब पावर आना स्टार्ट हो गया है और ये ऑटो कट करता है, पावर को अपने हिसाब से मैनेज करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है, यहाँ पर यह है 7 वाट का MCPCB लाइट, जो एलईडी लाइट के अंदर लगा होता है। तो सिंपली इसी को मैं पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ और अब देखना मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर सिंपली इसको, यहाँ पर इस पर जहाँ पर हमारा गाइस ड्राइवर लगा होता है, सिंपली इस पर इसको पावर देना है और देखना आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ये लाइट जल रहा है आसानी से। गाइस यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है स्टूडियो में, इसलिए आपको शायद क्लियरली ना दिख रहा हो, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ये दिख सके। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ये जल रहा है हमारा जो एलईडी लाइट है आसानी से, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये काम करता है। और गाइस ये 7 वाट का है, 12 वोल्ट पर जलता है, तो अब मैं इसके थोड़ा कम वोल्टेज भी दिखा दूंगा जलाकर। और यहाँ पर मेरे पास है एक 12 वोल्ट की ये RGB लाइट है, जो काफ़ी अच्छी जलती है, तो इसको भी हम मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, आप देखना, अब देखना यहाँ पर।
आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से ये जल रहा है, हमारा टेस्टर जो है ये यहाँ पर पावर जल रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया, अब मैं यहाँ पर इस वाले एलईडी को टेस्ट कर दिखाता हूँ। ये वाला है ब्लू एलईडी, ये भी 12 वोल्ट का ही है। एक बार नाइट विजन में इसको आपको जला कर दिखाता हूँ। देख पा रहे हो ये नीली बत्ती काफ़ी आसानी से जल रहा है इसी टेस्टर से, डायरेक्टली 220 वोल्ट से मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, इसी मल्टीमीटर, इसी सबसे आसान हमारा जो टेस्टर है इसी के साथ से। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसानी से हमारा जो टेस्टर है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब इसके साथ से ये तो 12 वोल्ट की लाइट थे, तो आप लोगों के दिमाग में यही होगा कि अब ये तो जल जाता है, लेकिन क्या ये लाइट जल पाएगा या फ्यूज हो जाएगा या फिर नहीं जलेगा, क्या होगा? तो चलिए मैं इसको भी टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और आप लोगों के मन से वह भी सवाल खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इसके प्लस और प्लस पॉइंट को टच करूँगा आपस में, फिर देखना आप लोग। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है, अब देखना यहाँ पर ये लाइट काफ़ी अच्छे तरीके से जल रहा है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ये लाइट जल रहा है। ये सिर्फ 3.7 वोल्ट का लाइट है, जबकि हमने इसको 220 वोल्ट से डायरेक्टली इसको जला रहे हैं। और यहाँ पर ये वाला एक 5 mm लाइट है जो कि 2.7 वोल्ट की ये जलता है, आसानी से इसका फुली जो डायरेक्शन होता है ये जलता है, जो हरा बत्ती है ये ग्रीन वाला, इसको डायरेक्टली यहाँ से 220 वोल्ट से अभी आ रहा है। इसके अंदर पावर कोई झोल नहीं है, आप लोग दे पा रहे हो यहाँ पर कोई झोल नहीं है, कोई डर नहीं है, तो आप लोग दे पा रहे हो ना, कोई झोल नहीं। डायरेक्टली मैं इसको जलाकर दिखाता हूँ 220 वोल्ट से। यहाँ पर अब देखना ये वाला लाइट, जैसे मैं इस पर टच करूंगा फिर देखना, यहाँ पर देख पा रहे होगा इस काफ़ी अच्छे तरीके से इसके परफॉर्मेंस है, और इसके अंदर करंट भी नहीं लग रहा है। यही खास बात है कि सिर्फ 5 रुपये का बनाया हुआ ये जो हमारा टेस्टर है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, 100% शॉक प्रूफ है, कोई भी करंट नहीं लगता इसके अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर अब गाइस आप लोगों को क्या चाहिए बताइए, 5 रुपए के अंदर और क्या चाहिए आप लोगों का? 100% सेफ्टी के साथ और अच्छे तरीके से किसी भी तरह के एलईडी को टेस्ट करता है ये, और आप लोग इसको बना सकते हो। देन हल्का सा गाइस हो सकता है कि शॉक लग सकता है क्योंकि एसी करंट आ रहा है इसके अंदर, तो लग भी सकता है, बट काम तो काफ़ी अच्छे तरीके से करता है और कोई खास करंट भी नहीं लगता इसके अंदर। तो इसको अब हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो आपने देख लिया मैंने इस वाले सिंपल एलईडी टेस्टर से सभी तरह के एलईडी को आपको टेस्ट करके दिखा दिया हूँ, और यह 100% शॉक प्रूफ है, करंट नहीं लगता है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। बस कहीं कहीं का जो हो सकता है हल्का सा आपको झन से हल्का सा शॉक लग सकता है, बहुत ना के बराबर, बाकी काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। और गाइज अब आप लोगों का क्या राय है आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को ये जो छोटा सा सबसे आसान एलईडी टेस्टर है या आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। और साथ साथ गाइज इस हमारे मेहनत के लिए आज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाएं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ धोखा नहीं करते, जो होता है सच्चाई वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर इसके अंदर शौक लगता है तो मैं आपको बता देता हूं गाइस, इसके अंदर बहुत ना के बराबर कभी कभी हो सकता है शौक लगे, और वैसे तो गाइस नहीं लगता है लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कभी लगे। तो आप लोग इसके अंदर एक रेजिस्टेंस और बढ़ा सकते हो बस इतना ही, या फिर एक डायोड और बढ़ा सकते हो, वरना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं इस तरह की किसी नए वीडियो में, नहीं तो आप इस तक के लिए जय हिंद जय भारत।